ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस बढ़ते नशे पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में मुंब्रा पुलिस ने चरस, गांजा, मेफेड्रिन तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया है। नशीला पदार्थ तस्करी करने वाले को मुंब्रा पुलिस गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन ये तस्करी किसे करने आ रहे हैं इसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर मुंब्रा पुलिस ने गुप्त जानकारी पर कार्रवाई कर एक नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस नाइजीरियन का नाम एनी चेमिंजी वेंजिमिन 31 वर्षीय है। मुंब्रा पुलिस को सूचना मिली कि नाइजीरियन मुंब्रा बाईपास पर एमडी नामक नशीला पदार्थ लेकर आने वाला है। जानकारी मिलते ही डीसीपी सुभाष बोरसे, एसीपी रमेश धुमाल, मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर, पुलिस उप निरीक्षक संजय गलवे, दीपक यादव, छोटू दाभड़े, उदय कृपन, मयूर लोखंडे, सुचिता देसाई सभी ने मुंब्रा बाईपास पर घेराबंदी कर आरोपी अन्नी चेमेजी वेजमिन को 132 ग्राम एमडी यानी मेफेड्रिन प्रतिबंधित पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 2,90,000 रुपये बताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी सुभाष बोरसे ने क्या जानकारी दी है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई फॉरेन नेशनल मुंब्रा में आके एमडी ड्रग्स बेचने वाला है, तो उस आधार पर उन्होंने ट्रैप लगाया वाई जंक्शन पे जाकर, और करीब शाम के चार और पाँच के बीच में ये कार्रवाई चल रही थी और वो पकड़ा गया। उसके पास से 133 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया। बहरहाल मुंब्रा पुलिस ने नाइजीरियन नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। किसे बेचने के लिए यहाँ मुंब्रा शहर में लाया था, क्या और भी लोग इसके साथ मुंब्रा में नशीला पदार्थ की बिक्री करते हैं, पुलिस इन सब पहलुओं पर जांच कर रही है। ये नाइजीरियन खारघर नवी मुंबई में रहता था। पुलिस ने इस पर एनडीपीएस कलम 8 का 22 बाग के तहत मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।